working in Park Suzuki, head of certifications. Are you listening to me? Yes. So let me formally start. So let me welcome all the students who have joined us today. So today we have a very respectable Yasir Arfat Saab. We used to be classmates in NED some 18 years back. So it's been a while. Yeah. And the career, I think Yasir Saab is going to explain himself in what companies he has worked. Lekin ye ki I know him for the last 5 to 6 years as part of Park Suzuki. And I think he has been visiting IBA and he, is also teaching at Karachi University Business School. I think the same subject, operations management. So I think this is going to be excellent because he has this academic background plus practical knowledge. So I strongly urge all of you who have joined us, इनसे क्वेश्चंस पूछें उस हवाले से जो कुछ हम पढ़ चुके हैं अब तक, लेआउट, लोकेशन, प्लानिंग, खास उससे प्रोजेक्ट आपकी जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, तो इसके हवाले से इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इनका प्रोफाइल देखा हो तो आजकल ये कंप्लायंस के मैटर्स में भी डील कर रहे हैं, तो ऑल दो हमने अभी स्टैंडर्डाइजेशन का टॉपिक कवर नहीं किया है, लेकिन कंप्लायंस के हवाले से भी अगर आप पूछना चाहें कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड व्हाई डू वी नीड इट एंड हाउ पार्क सुजुकी इज डूइंग इट, तो उस हवाले से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू गाइस आर गोना हैव टू सबमिट अ राइट अप, तो उसके लिए आप लोग साथ साथ नोट लेते रहें। रिकमेंडेड ये है कि अपने लैपटॉप्स में लेते रहें ताकि उसको एक इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर कंपाइल करके आपको मुझे ईमेल करना है विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। All right, so let's formally start. Thank you very much, Yasir Saab, for joining us. Welcome virtually to IBA, class of production and operations management. And over to you, please let us know about your career. And then give us some practical examples from Park Suzuki, which can help these students in putting things in a better context. G, please. Thank you very much, Najam. It's my honor to join your IBA class, being a part of it. So as Najam already informed you about we were the batch mates in Park Suzuki, I think in NED. I think we may be the class fellows or not, I don't remember exactly. Anyhow, batch mates okay, 97-98 batch. मैंने start मेरा career हुआ from gas field development project. In a very very tough environment. At that time when I joined the site, the temperature, the ambient temperature was around 49 and 50 degrees centigrade, and this is located in the borders of Sindh and Balochistan, big gas field development. So wahan ka mere sath NED ke hamare 4 student gaye the and 3 of them left within a week कि भाई ये तो रहने की जगह और काम करने की जगह नहीं है। एनी हाउ दैट वॉज माई नीड टू डू अ जॉब, सो आई स्टेड ओवर देयर फॉर अबाउट 1 ईयर। फिर मैं अपनी प्रोजेक्ट का साइट इंचार्ज था वहाँ पे, और वहाँ चूंकि कोई टिकने के लिए तैयार नहीं था तो मुझे साइट इंचार्ज पर के बना दिया, जहाँ फाइनेंस, अकाउंटिंग, HR, मैन पावर, मटेरियल, स्टोर्स, एवरीथिंग आई वॉज लुकिंग ओवर देयर। सो स्टार्ट की कैरियर में आपको इतनी सारी चीज़ें एकदम मिल जाएं तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिटी होती है। एनी हाउ बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हुई, और गैस फील्ड में कैसे काम होता है, कैसे प्लानिंग होती है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है, वहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं आपकी मैनुफैक्चरिंग साइट से, जो कि स्टेबल एक होती है। दैट वॉज अ प्रोजेक्ट बेस्ड, और प्रोजेक्ट बेस्ड में वर्किंग की कंडीशंस, एनवायरनमेंट और वहाँ की जो वर्किंग डायनेमिक्स है, दे आर टोटली चेंज। बहुत ही फास्ट ट्रैक होती है और आप प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिलेज नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट टारगेट। अगर आप अपना टारगेट से जब करते हैं, मिस करते हैं, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। आइदर यू लूज द जॉब और आइदर यू हैव टू आंसरेबल और मे बी पेनल्टी कुड बी चार्ज होती है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गैस फील्ड का, और इट्स अबाउट 560 MMCFD का प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ एनजीओ में काम किया कराची में, उसी कंपनी के साथ जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर था।
एंड दैट वॉज अ मेंटेनेंस जॉब. उसके अंदर भी काफ़ी सारी हमारी मेंटेनेंस प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व होती थी कि किस तरह से हमने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए उसके बीच में हमने मेंटेनेंस को कैसे प्लान करना है. वो एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब एस्पेक्ट है बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रोडक्शन एंड इन बिटवीन यू हैव टू फाइंड आउट द वेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू कीप द प्रोडक्शन रनिंग. और उसमें आपने अपने मेंटेनेंस के लिए जो है सबसे फाइट भी करनी होती थी क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्शन मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी साइट्स देते नहीं हैं. उनके साथ निगोशिएट करना, उनसे बात करना, उनसे टाइम लेना है एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है जॉब का. देन आई ज्वाइन पार्क सुजुकी समवेयर अराउंड 2003 और वहाँ से 5 ईयर्स मैंने काम किया यहाँ पे. और देन आई मूव टू लाहौर. वहाँ मैंने एक अबराज ग्रुप की एक कंपनी थी मन्नान शाहिद फोर्जिंग. वहाँ मैंने एज अ मैनेजर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट वहाँ जॉब की और प्रोडक्शन प्लानिंग जो कि फोर्जिंग प्लांट की होती है. और वो उसकी ख़ास बात ये थी कि दैट इज़ कंप्राइज ऑफ 70% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. यहाँ पे वंस अगेन यू हैव अ चैलेंज, यू हैव एन एक्सपोर्ट टारगेट्स, यू हैव अ कंटेनर डेट्स एंड यू हैव टू मीट द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्लान. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट था. उसके बाद आई ज्वाइंड अदर कंसल्टेंट फॉर अनदर ऑटोमोबाइल कंपनी यामाहा, क्योंकि यहाँ एक नया प्लांट लेके आ रहे थे कराची के अंदर. वो मैंने उसको जो है एक कंसल्टेंट के साथ अपना जो भी एक्सपीरियंस था 15 और 14 ईयर्स का वो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, उसको यूटिलाइज किया, अप्लाई किया. देन अगेन इन 2013 आई ज्वाइन पार्क सुजुकी. तो यहाँ पे अब जो है अभी कंटिन्यू है फिलहाल. इसके साथ साथ मेरी जो है टीचिंग वर्क है कि UBS के अंदर, वहाँ मेरे सब्जेक्ट्स हैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशंस और दूसरा है स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो बोथ आर रिलेटेड टू माय फील्ड, माय प्रैक्टिकल फील्ड. सो दैट इज माय ब्रीफ प्रोफाइल. आप में से किसी ने कोई सवाल करना है अभी तो पूछिए, फिर हम आगे मूव करते हैं. अच्छा, आप लोग जो सवाल करना चाहें ना प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई विल टेक द नेम ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन एंड देन सो लेट मी मॉडरेट इट. इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल लेट यासिर साहब नो. सो आई थिंक यासिर यू कैन कंटिन्यू एंड इफ देयर इज अ हैंड रेज देन वी कैन पास द पक. सॉरी फॉर द मास्क, क्योंकि यहाँ पे जैपनीज आर मूविंग अराउंड हियर एंड देयर और यहाँ पे माहौल इस तरह का है कि काफ़ी लोगों को ना पकड़ा गया है कि आप घर जाके काम करें, अगर आप मुंह पे मास्क नहीं लगा सकते तो. I think this is very good because now we are sitting in IBA and some students are sitting at home, but still they can feel the environment inside the factory nowadays, especially this pandemic situation. So this is good. Yeah, really. That's good. So ऑलरेडी नजम साहब आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इन्होंने बताया काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, फैसिलिटी प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग वट एवर. सो बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली कोर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. नॉर्मली जब हमारे जहन में ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ख्याल आता है तो हम ये सोचते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजर इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ऑपरेशंस मैनेजर होता है जो तमाम प्रोडक्शंस को देखता है, मगर ऑपरेशंस बेसिकली है क्या? दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ योर वर्क. वर्क की एग्जीक्यूशन और उसके लिए जो भी प्लानिंग होती है वो ऑपरेशंस मैनेजर का होता है. ये ऑपरेशंस की जॉब है. तो अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन अपने हिसाब से प्लानिंग करता है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस, HR, अकाउंटिंग और जो भी जितने भी मेंटेनेंस हो गया, ये सब के सब वहाँ के जितने भी इंचार्ज होते हैं वो सब के सब देखा जाए तो मेरे नज़दीक ऑपरेशंस मैनेजर हैं, बिकॉज दे आर मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ देयर डिवीजन ऑफ देयर डिपार्टमेंट. तो वो तमाम की तमाम प्लानिंग का हिस्सा होते हैं वो.
तो इसका स्कोप जो है प्रोडक्शन प्लानिंग का, बेसिकली देखा जाए तो हर जगह है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, अगर मार्केटिंग में भी हम कह सकते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजर होता है जो कि तमाम मार्केटिंग ऑपरेशंस को डील कर रहा होता है। इसी तरह पब्लिक रिलेशंस है, एचआर है, अकाउंटिंग है। सो बेसिकली ऑपरेशंस का काम क्या है, क्या है ऑपरेशंस की जॉब यूजुअली या मेनली? इट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है इसका, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट, वही बेसिक डेफिनेशन है ऑपरेशंस के अंदर। कुछ इनपुट है आपके पास, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है और एक आउटपुट आपने निकालना है। अच्छा, अब दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक शीट जो है ब्लैंक या एक स्क्वायर शीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक ऑटोमोबाइल कार के अंदर या ट्रक के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर। तो दिस इज अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर्विसेज इज अ डिफरेंट, सर्विसेज के अंदर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज सच नहीं होती, उसमें स्टेट बदली जाती है। स्टेट कैसे बदली जाती है कि एक बीमार शख्स हॉस्पिटल गया है, ठीक है, वहाँ पे उसको केयर मिली, मेडिसिन मिली, वहाँ के डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया, देन ही बिकम अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ, वो ह्यूमन बीइंग जो था वो वैसा का वैसे ही हुआ, मगर उसकी स्टेट चेंज हो गई फ्रॉम सिक टू हेल्दी। तो दिस इज अ सर्विसेज टाइप ट्रांसफॉर्मेशन। हम मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हमारा एक होता है इसके अंदर। रेस्टोरेंट्स में किस किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है? अगर एज अ कस्टमर देखा जाए तो हंगरी कस्टमर है, तो उसको फूड मिलता है, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, अच्छा खाना सर्व होता है, तो वो ट्रांसफॉर्म होता है किस चीज़ में? जी बताएंगे कोई साहब, एक जी कस्टमर एक रेस्टोरेंट का किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होगा या क्या उसमें यू कैन स्टेट क्या आस्क चेंज आएगी? जी सरोज सर। आई बिलीव के व्हेन दे विल कंज्यूम व्हाटएवर फूड दे हैव बीन गिवन एट द रेस्टोरेंट, तो इट विल इंप्रूव देयर मेंटल स्टेट, विल मेक देम हैप्पियर, एंड लाइक इतना से पेट भर जाएगा तो लाइक दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली देन। हैप्पी कस्टमर ऑफ कोर्स, हैप्पी एंड हेल्दी कस्टमर। एक हंगरी कस्टमर को आपने ट्रांसफॉर्म किया एक हैप्पी कस्टमर, और बेसिकली उन्होंने उसको अपना कस्टमर बना लिया। अगर ये सर्विस लेवल अच्छा ना हो, खाना अच्छा ना हो, सर्विसेज अच्छी ना हो, तो वो कभी भी हैप्पी नहीं होगा। तो बेसिक आपका मोटिव क्या है कि आपने अपने डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करनी है। सो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की। मैन्युफैक्चरिंग की जो डायनेमिक्स है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कभी भी एक जैसी जो है ना, ना ही प्रोडक्शन प्लानिंग हर जगह होती है और ना ही एक जैसे ऑपरेशंस हर जगह होते हैं। ऑटोमोबाइल जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसके साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी हैं। मतलब आप इसको कह सकते हैं इंडस्ट्री, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कह सकते हैं इसको, कि भाई ये तमाम इंडस्ट्रीज को फॉर्म करती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, बैटरी की, तो बैटरी के अंदर से बैटरीज बनेंगी, ठीक है, वो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होंगी अपनी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। किसी ऑटोमोटिव पार्ट की बात करें तो वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो कि कन्वर्ट होगा दूसरे पार्ट के अंदर। कोई मशीन की बात करें, कोई मोटर की बात करें, तो वो भी कन्वर्ट होगी किसी दूसरी प्रोडक्ट के अंदर। ऑटोमोबाइल के अंदर चूंकि नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप बात करें सिर्फ इसके टायर्स की, तो टायर्स की अलग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है,
टायर्स की एक अलग कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसकी एक अलग केमिस्ट्री है, उसकी एक अलग डायनेमिक्स है, उसकी अलग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उसकी अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो एक टायर जो है इतनी सारी चीज़ें फॉर्म करता है। उसके बाद आ जाएं आप बॉडी साइड पे, तो बॉडी की भी अलग डायनेमिक्स है, उसकी शीट, उसकी अलग केमिस्ट्री है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से अगर आप प्लास्टिक पार्ट्स की तरफ आ जाएं, तो वो एक अलग इंडस्ट्री है प्लास्टिक पार्ट्स की। इसी तरह रबर पार्ट्स की तरफ आ जाएं, रबर पार्ट्स की अलग इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल डिफरेंट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है। इसी तरीके से ग्लास विंड स्क्रीन है आपकी, दिस इज वंस अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, जिसका प्रोसेस, जिसकी मशीनरी, हर चीज़ वेरी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये पॉइंट किया है आपको। तो बेसिकली अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांस मिलता है वर्किंग का, तो उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। मगर इसमें अगर आप एक जगह पॉइंट पर फिक्स हो जाते हैं जाके, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। अगर आप मूव ना करें तो आप रन नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री में ये भी ख़ास बात है कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत चाहिए आपको। Until unless you can't move, you can't run. क्योंकि आपके पास अपने उस पर्टिकुलर एक पॉइंट का इतना काम होगा कि आप सोच नहीं सकते कि वो आगे कहाँ तक इम्पैक्ट लेके जा रहा है इसका। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी अपनी इंडस्ट्री की, आपको पता होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर इंजन के अंदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन या ड्यूरिंग प्रोसेस कोई एक प्रोसेस भी गलत हो जाए, तो हो सकता है कि वो बंद के चला जाएगा, कस्टमर तक पहुंच जाएगा, आफ्टर 3 or 4 months वो कंप्लेन आएगी और फिर आपने उसको रिजॉल्व करना होगा। तो वो एक इशू, एक प्रोसेस बाईपास या एक मिस्टेक, या एक आपकी ये कह सकते हैं कि कोई भी इशू जो क्रिएट हुआ, जिसको आपने पास कर दिया, पास ऑन कर दिया, यानी कि जाने दिया, उसको रेज नहीं किया आपने टाइमली, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस का बाइस बनता है इंडस्ट्री के लिए भी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी, और हर लिहाज से। तो हमारे यहाँ नजम साहब इस बात से इतफाक़ करेंगे कि कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे, उसमें उसको अंडरस्टैंड करने वाले बहुत ही कम वो हैं हमारे पास। यू कैन से कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने वाले बहुत कम है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाले, तो वो तो कोई थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, मींस के वो आफ्टर मार्केट को सप्लाई करती हैं, मगर दे कैन नॉट सप्लाई टू द ओईएम, बिकॉज ओईएम को अंडरस्टैंड करना, उसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना, तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और ये कोई भी वेंडर या सप्लायर सिलेक्शन करते वक्त हमारे नज़दीक ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की है। आइदर दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर जस्ट गेट अ गो, चल चलाओ वाले तो नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ से बना के पार्ट भेज देंगे, हमने यहाँ पे गाड़ी में लगा देना है। प्रोडक्ट किसकी जो है वो अफेक्ट होगी, वो हमारी प्रोडक्ट अफेक्ट होगी ऑफकोर्स। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए या किसी किस्म की भी रिसोर्स प्लानिंग के लिए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैपनीज के अंदर ये बात है कि ये जो भी चीज़ रन करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, यानी कि दे हैव अ सुजुकी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। इसी तरह से टोयोटा के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, टोयोटा इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो कि काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, TPS किया जाता है। इसी तरीके से होंडा के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स कोई छोटे मोटे स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, दे आर बंडल ऑफ बुक्स, एक एक पार्ट का, एक एक प्रोसेस का, एक एक चीज़ का। इनके अपने प्रोडक्ट के अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, सुजुकी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरीके से जो है टोयोटा के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, होंडा के अपने हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल में, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। नोबडी कॉपी अदर स्टैंडर्ड्स, बिकॉज
आप जैसे स्टैंडर्ड पे चीज़ बना रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल, किन टॉलरेंसेस पे आप चीज़ें बना रहे हैं वो आप जानते हैं, आप कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस से, मार्केट स्टडी से, या प्रोडक्ट फेलियर की स्टडी से जो लर्निंग्स होती हैं वो आपके स्टैंडर्ड का हिस्सा बनती है। सीधा जाके वो स्टैंडर्ड बनते चले जाते हैं, इम्प्रूव होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट का भी ये प्रोसेस होता है सारा का सारा, जिसमें प्रोडक्ट इम्प्रूव होती है। यहाँ पे कोई किसी का क्वेश्चन है? Hey guys, if you have any question, please raise your hand. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आपने बात क्वेश्चन पूछी प्लीज। सर थोड़ी देर पहले रेज किया था। जी जी पूछिए। अच्छा अभी आपका क्वेश्चन नहीं है? जी नहीं सर, पहले था। ओके मोहम्मद मुबीन, आई होप यू हैव अ क्वेश्चन। जी जी आप पूछिए। सर मुझे पूछना था, ये OEM की बात करी थी अभी आपने बीच में, तो OEM क्या क्या कौन सी कंपनीज होती हैं, उनके लिए अगर आपने सप्लायर बनना है या आपने उनको प्रोवाइड करना है तो क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपको चढ़ना जरूरी होता है? देखिए OEM कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो उस प्रोडक्ट का मेन कोर मैन्युफैक्चरर है उसको OEM कहा जाता है। यानी कि सुजुकी कंपनी जो है किसी भी मुल्क के अंदर वो OEM कहलाएगी। अगर ये प्लांट थाईलैंड में लगा है तो वहाँ का जो सुजुकी की कंपनी है दैट इज OEM। हम OEM हैं फॉर अवर सप्लायर, अवर डायरेक्ट सप्लायर, ठीक है, हम उसके लिए OEM कहलाएंगे। अब अगर कोई गिलास मैन्युफैक्चरर है और वो गिलास का रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करता है तो वो गिलास कंपनी OEM बन जाएगी उस रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए, ठीक है। इसी तरह टायर्स होते हैं, जनरल टायर हो गया, वो OEM बन जाएगा फॉर दियर रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है। हमारे हम उसकी OEM है, वी आर द OEM फॉर द जनरल टायर, ठीक है। तो OEM बेसिकली वो कंपनी है जहाँ पे जाके प्रोसेस एंड होता है या जहाँ पे जाके फाइनल प्रोडक्ट आपकी बन जाती है, उसको हम OEM कहते हैं। दूसरा सवाल आपका यह था कि OEM के सप्लायर कैसे बन सकते हैं, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि सप्लायर के सिलेक्शन के वक्त सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस या मैन्युफैक्चरिंग के जो भी उसके नॉलेज है सिर्फ उसको नहीं देखा जाता, उसकी मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसनेस को भी देखा जाता है कि वो किस तरह की है। हाँ, जहाँ पर लैकनेस होती है, जहाँ हम समझते हैं कि ये इसको हम थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे और ये समझ जाएगा और ये हमारे इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हिस्सा बन सकता है, हमारे सप्लायर डेटा बेस का हिस्सा बन सकता है, तो हम वहाँ पर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग्स का प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग सप्लायर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हम कराते हैं, नॉट हियर इन पाकिस्तान, बल्कि हम ये सारी ट्रेनिंग जो है जापान में और डिफरेंट कंट्रीज में भी भेज के करवाते हैं उनके पर्टिकुलर स्टाफ को या कंसर्न स्टाफ को, क्योंकि स्किल अपग्रेडेशन OEM का टारगेट ये नहीं होता कि सिर्फ अपने ही प्राइस के स्किल अपग्रेड किए जाए, बल्कि हम अपने सप्लायर्स के, डीलर्स के, उनके स्टाफ को भी अपग्रेड करते हैं टाइम टू टाइम। डिफरेंट उनको न्यू टेक्नोलॉजी सिखानी है तो न्यू टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। जो पार्ट्स, जो टेक्नोलॉजी मेहरान कार में यूज़ होती थी वो आज की ऑल्टो में यूज़ नहीं होती, दैट टोटली डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट तरीका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हो गए, हाईली एफिशिएंट आ गए, लाइट वेट हो गए, उसकी आउटपुट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम जब चेंज होती हैं तो फिर आपको अपने स्टाफ को भी और साथ साथ अपने सप्लायर्स को भी ट्रेनिंग देनी होती है। इवन कभी कभार प्रोसेस या बाइंग प्रोसेस उसमें भी इनोवेशन आती है। हमारा बाय करने का तरीका आज का डिफरेंट है। अगर 10 साल पहले देखें हम डिफरेंट तरीके से बाय करते थे, क्योंकि मैंने देखा है 10 ईयर्स पहले हम लोग क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते थे फॉर गेटिंग अ सप्लायर इन द कंपनी, और आज हमारे बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, इसके नॉर्म्स ही चेंज हो गए हैं।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, प्रोडक्ट अपग्रेड होती है, आपकी मैन पावर अपग्रेड होती है, इसी तरह से आपकी जो है रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। मेरी बात समझ आई? यासिर साहब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, वो ये कि आपने कहा कि आपने गैस फील्ड के ऊपर भी काम किया और उसके बाद फिर आप एक फोर्जिंग प्लांट में रहे अबराज ग्रुप के जो ओनरशिप में था एंड देन यू मूव टू सुजुकी। तो अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट्स से अगर हम गैस प्लांट की बात करें तो ऑफकोर्स सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स वहाँ भी बहुत स्ट्रांग होते होंगे। अगर आप फोर्जिंग प्लांट की बात करें तो आपने कहा था वो ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब क्वालिटी का उन्हें भी ख्याल रखना होता होगा क्योंकि एक्सपोर्ट में आराम से नहीं होती। लेकिन अगर आप सुजुकी पाक्सू की बात करें तो जापानीज कंपनी है, दे आर फेमस फॉर देयर क्वालिटी कंट्रोल। तो इन तीनों में अगर आप कंपैरिजन करें ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्रोच के हवाले से तो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिहाज से जो जापानीज मैनेजमेंट है इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उसका जो कंट्रोलिंग है किसी फेलियर को अप्रोच करने का तरीका है वो सारे टूल्स डिफाइन है, यानी कि 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और लाइक दैट डेमिंग वी और DMAIC या PDCA, ये सब आपने पढ़े होंगे जापानीज की टर्मिनोलॉजी में। 5S हो गया, काइजन सिस्टम हो गया, अच्छा अच्छा सही, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, काइजन, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, प्लान, डू, चेक, एक्शन, 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑल दीज आर डेवलप बाय द जापानीज। तो ये इन्होंने सिर्फ किताबों की हद तक नहीं रखे हुए, ये बाकायदा अपने जो प्लांट्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अगर आप टोयोटा से होंडा में आएंगे या होंडा से सुजुकी में जाएंगे तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा क्योंकि वो जो कॉमन टूल्स हैं वो हर जगह अप्लाई हो रहे हैं, इनके किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका सेम है। हाँ, कुछ जगहों पे ज़्यादा वो होता है। आज हम बात करें पीछे की तरफ आ जाएं गैस फील्ड के अंदर, ठीक है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड फील्ड होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाजुकियाँ नहीं हैं। हाँ, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाई हैं, मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम को ये नहीं देखेंगे यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, दे जस्ट गो फॉर द चेंज, कहते हैं ये ख़राब हो गया उठाओ निकालो दूसरा लगा दो। जैपनीज जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि दे हैव टू डेवलप देयर स्टैंडर्ड्स, कोई पार्ट ख़राब हो गया या मार्केट से कोई कंप्लेन आई है तो वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे उसको इवन आजकल तो ये होता है आजकल की ऑटोमोबाइल्स के अंदर कि आपका जो ड्राइविंग ट्रेंड है ना वो भी रिकॉर्ड होता है, ECU जो लगा होता है गाड़ी के अंदर, अगर आपका कोई ब्रेक सिस्टम का फेलियर हुआ है तो हम बआसानी कंप्यूटर को कंट्रोल चेक करके उसके साथ अटैच करके हम आपकी पूरा ड्राइविंग एटीट्यूड, ड्राइविंग बिहेवियर, ड्राइविंग स्पीड, वो सारा के सारा रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि आप किस तरह से गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं, फिर वहाँ से हम इम्प्रूवमेंट लेके चलते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बनते हैं। यहाँ गैस फील्ड वगैरह में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, वो सीधा सीधा आपके चीज़ें हैं, मशीनरी है इंस्टॉल की, प्रोड्यूस की, गैस आपने ज़मीन से निकाली और उसके बाद उसको प्योरीफाई किया और आगे दे दिया। हाँ, मतलब कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर और डिफरेंट चीज़ों में वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है, क्वालिटी इन्होंने भी मेंटेन करनी है, मगर दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पर तो आपकी गाड़ी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं तो यहाँ आपकी डायनेमिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी तरह फोर्जिंग कंपनी तो वहाँ एक सिंगल पार्ट है। अब मैं आपको गैस फील्ड का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सेफ्टी की आपने बात की थी तो वहाँ मैं अपने ऑफिस में था तो वहाँ का सेफ्टी मैनेजर होता था जेफ बेरी, जो काफ़ी सख्त था सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसने कहा कि दो बंदे उसके साथ थे ना, उसको पकड़ रखा था उसने पीछे से यहाँ से। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहता है ये तुम्हारे दोनों बंदे जो है ना ये वेल्डिंग की जो गन होती है उससे सिगरेट लगा रहे थे, उससे मैंने सिगरेट जलाते हुए देखे।
मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे क्या करना, क्या था कुछ नहीं, निकालो उनको। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप जाएं, आपके जाने से पहले से बाहर होंगे। वी डोंट हैव टू इन्वेस्टिगेट भाई, क्यों सिगरेट पी रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने सुन लिया, जाएं आप बाहर, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे घर पे। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड यकीनन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वहाँ पे, क्योंकि गैस प्लांट है। इस तरह की हरकतें जो हैं एक बहुत बड़े धमाके, एक बहुत बड़े मसले का सबब बन सकती हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड वहाँ पे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहीं और हैं। तो इंडस्ट्री जो है डिफरेंट चीज़ें वेरी करती हैं। जी सर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सरोज जी। सरोज सर, बेसिकली मुझे पूछना था, जिस तरह अभी आपने ये कंपेयर किया था जापानीज कंपनी को और फिर ये जो ऑयल एंड गैस आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो मुझे पूछना था कि वुड यू से दैट देयर आर एनी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस बिटवीन जापानीज कंपनीज एंड द वे पाकिस्तानी कंपनीज वर्क। जिस तरह आपने मेंशन किया था स्टार्ट में कि यू वर्क एट एंग्रो, तो मैं पूछना चाहता कि एंग्रो के प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में एंड द वे आपके सॉरी क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल एंड द वे सुजुकी का चल रहा था, उनमें कोई चेंजेस फर्क है या कोई सिमिलैरिटीज? देखें, सुजुकी या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डायनेमिक्स, इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो अनमैचेबल हैं, मतलब आप उसको किसी भी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ का एक्सपीरियंस देके कोई अपने किसी छोटे किसी पार्ट सप्लायर के पास जाता हूँ और मैं वहाँ जाके उससे कहता हूँ कि भाई ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये पार्ट ऐसे था वैसे था, वो कहेगा भाई इन चक्करों का हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट्स। तो इंडस्ट्री के साइज़, वॉल्यूम और प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हर जगह सेम रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप, सेम स्टिक के साथ, सेम यार्ड स्टिक के साथ हर चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो जहाँ जैसे डायनेमिक्स होंगी, हाँ, उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जो इम्प्रूवमेंट आप लेके आ सकते हैं वो लेके आएँ। देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवेयर। तो उसकी उनकी जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट है ना, वहाँ तक आपने काम करना है। इससे आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मुश्किल पैदा करेंगे। लेआउट के हवाले से अगर आप थोड़ी सी बता सकें कि आप सुजुकी के प्लांट में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो इनके बहुत सी प्रोडक्ट लाइंस हैं। अभी नई ऑल्टो मुतारिफ हुई है, इससे पहले इनकी ऑफ कोर्स मेहरान थी, आपने कहा टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है, और भी दूसरे वेरियंट्स हैं ऑफ कोर्स। तो इनके लेआउट के अंदर क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि मिसाल से काबिल गौर हैं, खासतौर से मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए? थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए लेआउट इन पार्सल्सों की। देखिए, लेआउट वह इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके वेस्टेजेस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा मूवमेंट है दैट इज योर वेस्टेज। क्या 7 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट कुछ आपने पढ़ा होगा, इस वजह से जी 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 अच्छा अच्छा है, टिम वुड के नाम से कुछ है वो, कुछ ऐसा जिसमें टाइम है, इन्वेंट्री है और मटेरियल है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है। तो उसके अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है ये भी एक वेस्ट है। तो पहले लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये प्लांट जो है वो कराची पोर्ट के पास होता था वेस्ट हाफ में। फिर तो उसके बाद ये प्राइवेटाइज हुआ, प्रोडक्शन इन्हांस हुई, तो फिर पाकिस्तान स्टील के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने ऑफ़र की पाकिस्तान स्टील की ज़मीन कि भाई आप यहाँ पे लगा दें प्लांट। तो 92 से आई थिंक, हाँ यस, 92 से जो है वो ये पोर्ट कासिम या बिन कासिम के एरिया में शिफ्ट हो गया। फैसिलिटी लोकेशन के लिहाज से ये बेहतरीन लोकेशन है, क्योंकि ये यहाँ से आपको आउट ऑफ सिटी एक्सेस करना बड़ा आसान है, यहाँ से बड़े बड़े ट्रॉलीज गुजर जाते हैं आसानी के साथ विदाउट मूविंग इनटू द सिटी। आपकी व्हीकल्स यहीं के यहीं शहर से बाहर निकल जाती हैं, और फिर एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वेंडर क्लस्टर है। हमारे जो कोर सप्लायर थे पार्ट्स के, हमने क्या किया है कि इनको इस प्लांट के अराउंड उनको ज़मीनें दे दी हैं, एक एक दो दो एकड़ की। उनके जो प्लांट्स शहर के डिफरेंट इलाकों में होते थे, किसी का ओरंगी टाउन में,
किसी का कवंगी में, किसी का गांधी में, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है और वो यहाँ पे जो है तकरीबन 25 से 30 सप्लायर जो है हमारे, वो हमारे अराउंड हैं। तो इससे हमारी एक तो ट्रांसपोर्टेशन सेव हो गई, शहर के हालात से हम बच गए, और जो मेन हमारे कोर पार्ट्स थे वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, कम टाइमिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें फ़ायदा हुआ वो हुआ इन्वेंट्री के अंदर, कि हम आवरली इन्वेंट्री मेंटेन करने सकते हैं, यानी कि हमें अपने पास उसकी इन्वेंट्री को रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रोडक्शन का पता होता है इनको कि ये आज सप्लाई करना है, ये फर्स्ट हाफ में देना है, ये सेकंड हाफ में देना है, ये इतनी क्वांटिटी आनी है। सारी प्रोडक्शन इनकी नॉलेज में होती है, उसी हिसाब से सप्लाईज जो हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पड़ोस में है, साथ है, तो वो ईजिली एक्सेस हो जाती है। हमारे स्टाफ के लिए बहुत आसान हो गया कि कोई क्वालिटी इश्यूज आते हैं, सप्लाईज के इश्यूज आते हैं, तो हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है, चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करके, कंट्रोल करके अपने हाथों में लेके और इंश्योर करते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए पार्ट्स को पहुँचा दिया जाए। तो ये मैंने आपको जो एक बेनिफिट बताया है, दैट इज़ फैसिलिटी लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से बेहतरीन हो गया। अब फैसिलिटी लेआउट की हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में होता है इनका। सबसे पहले स्टैंपिंग शॉप होती है, जो कि एक शीट आती है और मुख्तलिफ पार्ट्स की वो शक्ल देती है। उसके बाद आपकी आती है वेल्डिंग शॉप, वो जो पार्ट्स आपने स्टैंपिंग में बनाए हैं, प्रेस शॉप में बनाए हैं, वो सब के सब आपस में वेल्ड होते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो पेंट शॉप आ जाती है, वो सब का सब डीग्रेजिंग होने के बाद, क्लीनिंग होने के बाद पेंटिंग होती है। पेंटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका असेंबली लाइन का। तो असेंबली लाइन के अंदर ये होता है कि जो हमारी व्हीकल लाइन है, कार लाइन है, उसमें तमाम कार्स एक ही असेंबली लाइन पर बनती हैं। यानी कि होता ये है कि एक अगर आगे वैगनार जा रही है तो उसके पीछे कल्टस होती है, उसके पीछे स्विफ्ट होती है, फिर उसके पीछे और कोई दूसरी कार है तो वो होती है। कार लाइन हमारी डिफरेंट है, और उसके अलावा जो बुलान और पिकअप की है वो हमारा एक छोटा सेटअप है, उसकी लाइन भी साथ ही है, लेकिन वो एक छोटी लाइन है, वो सिंगल स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। कार लाइन जो है वो बेसिकली यू शेप लाइन है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसके बाद यू शेप पूरा कन्वर्ट होके दूसरी साइड से निकल के आ जाती है। फिर उस यू शेप के सेंटर में हमने दी हुई है टेस्टर लाइन। अब वो यू शेप को क्रॉस कैसे करती है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा होता है समझे लाइन का जो कि ओवरहेड होता है, यानी कि वो ऊपर चढ़ती है गाड़ी, तो उसके नीचे से जो है हमारी जो है यानी कि यू और उसके बीच में क्रॉस, तो वो इस तरह से जो हमारी टेस्टर लाइन होती है, फिर वहाँ से गाड़ी जो है बन के बाहर जाती है, रोड टेस्ट पे जाती है। रोड टेस्ट के बाद जो है जो भी क्वालिटी के इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं इसके अंदर, देन फिर वो कस्टमर को पास ऑन हो जाती है। तो ये हमारी फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट है। अच्छा, इसके साथ एसोसिएटेड कुछ काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजन की असेंबली जो है वो असेंबली लाइन पे नहीं हो सकती, तो इंजन की एक असेंबली शॉप सेपरेट है, मगर जब इंजन की असेंबली से इंजन निकलता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और जहाँ भी गाड़ी में इंजन की असेंबली होती है वो उस पॉइंट पे पहुँच जाता है। शॉप उसकी सेपरेट है, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन है कि वो स्ट्रेट अवे सीधा वहीं पे पहुँचता है, उसी पॉइंट, उसी स्टेशन के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक शेयर कर सकता हूँ कुछ, एक मिनट मैं आपको शेयर कराता हूँ। शेयरिंग कहाँ से है इसका? मैंने अभी-अभी आपको शेयरिंग अलाउ की है। अच्छा, ओके ओके, राइट राइट। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट, शैल ही आस्क या फिर वेट करें?
ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है वेल्डिंग, रूफ वेल्ड हुई, वेल्डिंग शॉप में गई, देन उसके बाद फर्नेस में चली गई, फॉस्फेटिंग हुई, पेंटिंग हुई, ये पूरी एक, खैर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनी हुई है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि सबसे पहले हमारी आ गई प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, पेंट शॉप, देन असेंबली लाइन, असेंबली लाइन इन यू फॉर्म, सेंटर में से टेस्टर लाइन, और उसके बाद एग्जिट। ये बड़ा सिंपल सा हमारा एक प्रोसेस है इसका। जी सर, इज देयर अ स्पेशल रीजन एज टू व्हाई पूरी जो व्हीकल लाइन है वो एक ही व्हीकल लाइन और सारी गाड़ियां उस पे असेंबल होती हैं? व्हाई इज इट कि लाइक अलग-अलग गाड़ियां अलग-अलग व्हीकल लाइंस पे असेंबल नहीं हो रही? नहीं, मैन्युफैक्चर जो असेंबली का प्रोसेस है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। विंडस्क्रीन जहाँ पर लगनी है तमाम गाड़ियों की उसी स्टेशन पर लगेगी, टायर्स जहाँ पर लगने हैं वो वहीं पर लगने हैं। हाँ, वो टायर डिफरेंट होंगे, वो पार्ट डिफरेंट होगा। तो होता ये है कि हमारा चूंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, जब गाड़ी लोड होती है प्रेस शॉप से तो उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आ जाती है, उसी हिसाब से मटेरियल हैंडलिंग जो होती है, मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट, उसी हिसाब से पार्ट्स जो है वो लाइन पर सप्लाई करते हैं। उनको ये पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी गाड़ी बननी है आज, या कितने टाइम पे वो यहाँ पहुँचेगी, उसी हिसाब से उनका कंटिन्यूस जो है ना असेंबली लाइन पे उनके पार्ट्स की डिलीवरी जा रही होती है। तो गाड़ी जब उसके सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल वैगनार आ गई है, तो जैसे ही वो यहाँ हाथ बढ़ाएगा पीछे उसको वैगनार का पार्ट मिलेगा, वो उठा के गाड़ी के अंदर लगा देगा। तो ये इस तरह से हमारी पूरी प्लानिंग हुई हुई है इसके अंदर, सब स्टेशन भी उसी हिसाब से बने हुए हैं और इन्वेंट्री भी उसी हिसाब से कंटिन्यूसली जो है वो लाइन पर डिलीवर हो रही होती है। तो प्रोसेस चूंकि सेम है कार का, इसलिए एक ही जगह पे तमाम कारें बनती हैं। बोलान का और पिकअप का थोड़ा डिफरेंट है, तो लिहाजा वो जो है उसके लिए डिफरेंट एक लाइन है हमारी। I have a question. Okay, so sir, आपने अभी explain किया कि जो तमाम जो assembly line पे ही तमाम cars जो हैं, whether of different types, वो सारी एक ही assembly line पे मौजूद हैं। Does this thing happen कि obviously there is always a chance of mistake, तो कोई गलत part जो है वो install हो गया किसी एक गाड़ी के अंदर, वो install होना था मगर वो दूसरी गाड़ी में install हो गया, या कोई और ऐसा जो issue हो गया, तो उसको आप लोग किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या आप लोग ने? जी जी, मैं आपको बता देता हूँ, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक तो टैगिंग हुई भी होती है पार्ट के ऊपर, और दूसरा ये कि रॉन्ग पार्ट दूसरी गाड़ी में फिटमेंट हो नहीं सकता, फिटमेंट के इश्यूज आएंगे, वो फिट ही नहीं होगा, वो असेंबल ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा उसने उस पार्ट ने वहीं पर लगना, हाँ कहीं ना कहीं शायद नाजे कोई मिस्टेक हुई हो तो हुई हो, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, लाइन सुपरवाइजर, वो साथ साथ चल रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, हर चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर जैपनीज के अंदर एक चीज़ यूज होती है, उसको कहते हैं पोका यूके, जैपनीज टर्म है पोका यूके, इसका मतलब होता है फूल प्रूफ, इंग्लिश में इसके मायने होते हैं फूल प्रूफ। कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे इस तरह की मिस्टेक के चांसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके फिटमेंट साइज सेम है और आपको ये चांस है कि हाँ वहाँ पे ये रख सकता है, तो वहाँ पे पोका यूके जो है ना वो फुल प्रूफ इकदाम किए जाते हैं, या वहाँ पे कोई फिक्स मैन पावर होगी, या वहाँ पे कुछ ऐसे गेजेस रख दिए जाएंगे जिनसे पास थ्रू हो गया वो पार्ट लगेगा, या कोई ऐसे कंट्रोल्स वहाँ पे होते हैं, कभी कभार कंप्यूटर कंट्रोल्स भी होते हैं कि अगर आपने गलत पार्ट की तरफ हाथ बढ़ाया तो बीप बच जाएगी, गाड़ी कौन सी थी और आपने गलत, यानी कि आपकी नज़र गाड़ी पे थी, आपने हाथ पीछे किया कि मैं उठा दूँ उसको, बीप बच जाएगी। तो ऐसे ऐसे फुल प्रूफ जो है ना सिस्टम्स, वो हमारी असेंबली लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल किए हुए या लगे हुए, तो लिहाजा इस तरह के चांसेस जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, अगर हम उसको इंस्टॉल कर दें और उसके ऊपर से और दूसरे पार्ट आके इंस्टॉल हो जाए, फिर आप गाड़ी उतरने के बाद आपके किसी काम की नहीं है,
that is a loss for you, because it will go in the rework. Rework के लिए आपको सब चीजें खोलनी है, फिर दोबारा उस चीज को लगाना पड़ेगा. तो POCA UK या फुल प्रूफ सिस्टम जो हमने वो लगाए हुए इसके अंदर समझे लाइन पे जी. ओके, अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए. वैसे आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो सिंस यू स्पेंड सो मच टाइम इन द इंडस्ट्री, खास तौर से यहां पार्क सुजुकी में, तो यकीनन ऐसे बहुत से वाकयात होंगे इंटरेस्टिंग, जिससे सभी आपने वो गैस फील्ड वाला बताया. तो नॉर्मली समझाया जाता है कि प्लानिंग कभी भी 100% एक्यूरेटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं, ऐसे अनफोर्सीबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आपको कंट्रोलिंग अपना एक्टिवेट करनी पड़ती है. तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, नॉर्मली किस किस्म की डेविएशंस होती हैं, प्लानिंग क्यों ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, या प्लानिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं कि उसने इसको बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिया है, तो प्लानिंग और कंट्रोल के हवाले से थोड़ा सा बताइए. देखिए, हम जो इंसान है, मिस्टेक्स तो होती हैं और ब्लंडर हर जगह हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि आप भी परेशान होते हैं, या ये हुआ कैसे. तो एनी हाउ, जहाँ पे ऑटोमेशन ज़्यादा होगी, और आप जब एक दफ़ा कहते हैं ना कि एक दफ़ा आपने अगर एक ह्यूमन की जगह एक रोबोट को रख दिया, तो अब आप उस रोबोट की जगह दोबारा ह्यूमन को नहीं लगा सकते किसी भी सूरत में, बिकॉज सिस्टम्स जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो अब आप उस रोबोट से, उस रोबोट की जगह ह्यूमन को खड़ा करके बोलेंगे कि जैसे रोबोट काम कर रहा था वैसे करके दिखाओ, तो वो कभी नहीं हो सकता. हाँ, एक ह्यूमन जो, एक रोबोट जो है ह्यूमन की कॉपी कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंसान कभी भी रोबोट की कॉपी नहीं कर सकता. आप वाकयात की आपने बात की, तो मैं आपको बताता हूँ. एक दफ़ा जापान में मैं गया था, हमारा प्लांट है वहाँ पे, तो वहाँ की जो हम उसका विजिट कर रहे थे. अच्छा, विजिट इस तरह से है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी जंगल में आ गए हैं, मतलब नीचे जो है पूरे फ्लोर पे सारे रोबोट्स फैले हुए, कोई थाउजेंड्स के करीब रोबोट्स होंगे, पूरी असेंबली लाइन है, उसके आसपास रोबोट्स हैं. एक रोबोट पार्ट लेके खड़ा हुआ इंतजार में, दूसरा आगे से जाएगा तो फिर वो निकलेगा वहाँ से, मतलब एक अजीब दुनिया है वो. अच्छा, आप उसका विजिट जो है ना, प्लेटफॉर्म होता है ऊपर विजिट के लिए, उस प्लेटफॉर्म से आप नीचे देख रहे होते हैं सारा कुछ क्या चल रहा है ना. तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइट बंद थी, उनकी प्लांट बंद था. तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों बंद, तो हमारा काफ़ी प्रोडक्शन लॉस हो गया और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो गई. हमने कहा भाई क्या थी प्रॉब्लम, उन्होंने बताया भाई दो रोबोट आपस में फाइट हो गई इनकी, और वो उन्होंने एक दूसरे को वेल्डिंग कर दी है. अब ये ट्रेवल शूट नहीं हो पा रहा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकला जाए. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनको तकरीबन 2 वीक्स लग गए, उस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए, उस प्रोग्रामिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए. तो जहाँ टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं, जहाँ हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी प्लानिंग के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर, वहाँ पे हम उस पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. मतलब अगर दो रिपोर्ट वहाँ से हटा दिए जाएँ, उसको कहा जाए दो ह्यूमंस खड़े हो जाएँ, तो मेरे हाथ से 2 दिन के बाद जो वो ह्यूमंस को भी जान से मार देंगे. तो ये मतलब है हमारी एक डिपेंडेंसी है, कि आप एक दफ़ा एक चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएँ तो फिर आप कभी भी वहाँ से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. ह्यूमन की जगह रोबोट लगाने के बाद आप क्या है, मैं दोबारा यहाँ पे ह्यूमन लगा दूँ, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो लिहाजा प्लानिंग के अंदर इश्यूज आते हैं, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, ये सब ये तो हर जगह ही होता है. लॉसेस भी आते हैं प्रोडक्शन के अंदर, इसी तरह से हमारे पास भी रोबोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे. स्विफ्ट जो हमारी बनती है बॉडी, वो पूरी रोबोट्स के ऊपर बनती है, तकरीबन 6 रोबोट्स लगे हुए हैं वहाँ पे. तो इसी तरह से हमारे पास भी ये इशू आए थे रिपोर्ट्स के, एक रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई थी, तो वो हम तकरीबन 15 डेज तक स्विफ्ट जो है वो नहीं बना सके, बल्कि शायद 1 मंथ तक, 1 मंथ तक हमारा प्रोडक्शन लॉस उसमें हुआ था. तो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री. जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती है, आपके स्किल अपग्रेडेशन, आपकी तमाम चीज़ें साथ साथ टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं. तो ये है बेसिकली हमारी सारी प्लानिंग, चूँकि कंप्यूटराइज है,
कार जब लोड होती है प्रेस शॉप में तो उसकी इंफॉर्मेशन कोई कंपनी को होती है कि कार किस वक्त कहाँ पे पहुँचेगी और उसमें क्या काम होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज थ्रू चल रही होती हैं। जी सर, यू हैव अ क्वेश्चन? जी जी यस सर। अब सर ऑब्वियसली अब ये वाले जो इश्यूज जो आपने एक्सप्लेन किए हैं दीज आर बाउंड टू हैपन। अब बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इनको मिनिमाइज आप किस तरीके से करते हैं? लाइक अब प्रोडक्शन लॉस हो रहा है 15 दिन के लिए, योर मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इज क्लोज, अब उसको मिनिमाइज किस तरीके से किया जाए? उसको आप लोगों ने आपने जो एग्जाम्पल बताई उसमें आप लोगों ने किस तरीके से मिनिमाइज किया? देखें बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज होते हैं, किसी का कार्ड आपका उड़ गया, जैसे आपका एसी है घर में लगा हुआ उसका कार्ड ख़राब हो जाए तो आप उसको क्या आप उसमें चेंज करेंगे, समझिए आप उसको कार्ड को रिप्लेस कर देंगे। लर्निंग क्या चीज़ होती है, लर्निंग कहाँ से होती है? आप उस कार्ड को खोलें, उसको देखें, इन्वेस्टिगेट करें, फिर देखें आपके जो सप्लाई लाइन से जो करंट आया वहाँ पर भी आपके पास कोई मीटर लगा हुआ था, कितने एम्पियर आए थे इस टाइम पर, कितना वोल्टेज था, रूम का क्या टेम्परेचर था, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, रनिंग बिहेवियर क्या था, एटीट्यूड क्या था, किस तरह से चला था, कितनी देर तक चला था, ये तमाम चीज़ें जब आप कंपाइल करेंगे फिर आप जाके किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, हाँ भाई ये कार्ड जो है ये क्यों ये वो हुआ। इस तरह के जब टेक्नोलॉजी के अंदर इश्यूज आते हैं तो आप सिंपली जो है वो जाके उन पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। प्रोग्रामिंग में इश्यूज आते हैं यकीनन आप उसको जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। मगर फिर वही बात कि ये काम वो करेगा जो कि उस सिस्टम का सप्लायर है, यानी कि जिसने रोबोट सप्लाई किए ना, जिसने दिए हैं लाके, ये काम उसकी टीम करेगी। आपके पास की एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास की टेक्नोलॉजी नहीं है इसको चेक करने की। आपने सिंपली सप्लायर को बुलाया, बुलाया उसको आइडेंटिफाई करो, उसने आइडेंटिफाई किया, उसको रिप्लेस किया, उसको चेक किया, वो वट एवर उसने जो भी किया वो आपसे थोड़ी शेयर करेगा। हाँ आपको बता देगा भाई ये मसला आया था, ये करंट यहाँ से स्लिप हुआ, या ये कंपोनेंट इसमें ख़राब हो गया था, या ये बर्न हो गया था, या इतनी देर मशीन चली थी, आप ये सेफ्टी मेजर ले लें इसके अंदर। बाकी डिटेल तो आपसे कभी भी नहीं शेयर करेगा वो कि उनके कार्ड्स में क्या इशूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मसले मसाइल थे। तो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आने वाला है, ये पॉलिसीज बन रही हैं, तो इस हवाले से चले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता जाऊं। फ्यूचर में क्या होगा, आपको पता है कि गाड़ी टोयोटा होंडा या सुजुकी लोग किस वजह से जाते हैं, किस वजह से जाते हैं? मेनली इंजन टेक्नोलॉजी। इनके पास क्या है बेसिकली, इंजन टेक्नोलॉजी है। अगर इंजन ही निकाल देंगे आप गाड़ी में से, भी बचेगा क्या बॉडी? बॉडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होगा? मोटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आपकी पूरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव कर जाएगी। फिर आपको मैकेनिक जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नहीं खोलेगा, वो तो आपको पार्ट निकाल के देखें, जाओ ये देखिए आओ इसको लगा दो चलाना शुरू कर दो। हो सकता है आप घर में बैठ के खुद ही ये काम कर दें, हाँ कि कोई बॉडी डैमेज हो जाए तो आप उसके लिए जाएँ, वरना तो सिंपली ये आपका प्लग इन प्ले वाला सिस्टम होगा, जैसे बच्चों की खिलौने की गाड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी अपनी गाड़ी हुआ करेगी और आप उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे। डायनेमिक्स चीज़ें चेंज होती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना आप उसमें टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस होंगे तो उस एक्सपर्ट एरियाज के लोग जो है ना वो डोमिनेट करेंगे। जब गाड़ी में मोटर्स लगना शुरू हो जाएंगी तो मोटर बनाने वाली कंपनी डोमिनेट करेंगी और इंजन बनाने वाली कंपनीज जो है ना वो एक तरफ साइडलाइन होके, हो सकता है बिजनेस ही ख़त्म हो जाए इनका। तो डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें करती हैं इस तरह से। जी नामा फखरी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, आई हैव अ सर, यू वर टॉकिंग अबाउट के किस तरह से जो है वो सप्लायर्स, इट्स सप्लायर्स जॉब टू चेक द रोबोट एंड मेक द अमेंडमेंट्स। So sir, my question was, how do you, like specifically to Park Suzuki, आप किस point पर decide करते हैं कि what parts that you have to produce in-house and for what parts you have to choose the suppliers for?
स्पेसिफिकली टू पार्क्स एंड सर्विसेज? अच्छा सवाल है आपका, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. देखें जहाँ एक व्हीकल है या एक आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर 6,000 पार्ट्स रखते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने क्या बनाना है और क्या मंगवाना है? तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उन पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे बन सकती है तो आप वो बनाएंगे और बाकी सब कुछ मंगवाएंगे. हाँ, अभी होता ये है कि बहुत से सप्लायर आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हम क्रैंक शाफ्ट बनाते हैं. किसकी बनाते हैं भाई? हम ट्रैक्टर की बनाते हैं. तो भाई ट्रैक्टर की क्रैंक शाफ्ट बनाते हैं तो बनाइए आप, गाड़ी की तो आप नहीं बना सकते कभी भी. नहीं, वो भी हम बना सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है तो फिर हम तो गाड़ी की भी क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं. हमने कहा नहीं बना सकते आप. जो टॉलरेंस जो हमें चाहिए उसके अंदर, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें चाहिए, जो उसकी चेकिंग स्टैंडर्ड चाहिए और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड चाहिए, वो आपके पास नहीं है. तो अगर आप ये समझते हैं कि ट्रैक्टर की या किसी ट्रक की क्रैंक शाफ्ट बनाने के बाद आप गाड़ी की क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं तो ये आपकी भूल है. तो लिहाजा ये तमाम जो हमारी जो बेसिकली कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है ना, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो अगर मीट होती है तो फिर हम उसकी लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं. अब चूंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गेटिंग वेरी ओल्ड, इट्स अबाउट 1989 में पहली गाड़ी आई थी, नहीं आई थिंक 82 में आई थी. तो उस वक्त सप्लायर नहीं होते थे पाकिस्तान में, और सबसे पहली कंपनी जो आई थी वो सुजुकी थी. टोयोटा और होंडा बाद में आई है. जितनी भी सप्लायर बेस बनाई वो सुजुकी के लोगों ने बनाई, इसमें काफ़ी मेहनत की. अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. आपको पता है गाड़ी में कारपेट रखता है, कारपेट होता है नीचे, ठीक है. अब जब गाड़ी यहाँ बनाने की बात हुई तो हमने कहा गाड़ी का कारपेट जो है ना वो कौन बनाएगा? तो हमने कहा चलो जी, पाकिस्तान कारपेट एक कंपनी है, पाकिस्तान कराची की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान कारपेट वालों को कहते हैं वो बनाएं. उनके पास गए हमारे बंदे, उनको कहा कि भाई ये कारपेट बनाना है. कहता हूँ भाई ये मेरा काम नहीं है, ना मुझे आता है ये, मैं सिर्फ कारपेट बनाता हूँ घरों के लिए, मॉलों के लिए, और बड़े बड़े कारपेट बनाता हूँ. ये छोटे छोटे निक्के निक्के कारपेट जो है, छोटे साइज के, उल्टी सीधी शेप के, बॉडी के लिहाज से ये तो मैं नहीं बना सकता, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है. हमने कहा नहीं, बनाना तो आपको ही पड़ेगा. तो कहते हैं कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते. तो आज उस कंपनी का 90% सेल जो है ना ऑटोमोबाइल के कारपेट्स हैं. तो बात दरअसल वो यही है कि कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, डेवलप करनी पड़ती है, इनोवेट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. मैं इन फ्लेक्स एंड गेट की जो जिसका सीईओ पाकिस्तानी है क्रिश शाहिद खान, उनका पढ़ी थी कि उन्होंने जो है वो स्टार्ट जो है वो टोयोटा के पिकअप ट्रक के बम्पर से किया था. नाउ दे सप्लाई मेनी पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, होंडा एंड टोयोटा. तो आई थिंक सर आप शाहिद खान साहब, लेकिन वो उन्होंने बिजनेस यहाँ नहीं स्टार्ट किया था. He is a businessman in the UK. वो अमेरिकन यूके के बिजनेस मैन है, जो कि उन्होंने वहाँ पे ये काम बिजनेस शुरू किया था. यहाँ पे नहीं किया था उन्होंने ये सारा काम, वहीं से सारी अर्निंग की है उन्होंने जो भी है, और वहीं के वो टायर वन सप्लायर हैं इन तमाम OEMs के लिए. तो मैं सिंपल आपको ये कहना चाह रहा था कि कुछ जगहों पे कुछ लोगों को आपको लाना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री की तरफ कि भाई इधर आओ, ये इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं. हमारे लोगों ने खुद खड़ो के कारपेट बनवाया उससे, उसको कहा कि भाई ये है, ये इसका पैटर्न होगा ऐसा, आपने सिंपली इसका मोल्ड बनाना होगा, वो भी हम देंगे आपको. सिर्फ आपकी जो कारपेट बनाने की टेक्नोलॉजी है ना वो हमें चाहिए, वो आपके पास है, लिहाजा आप बना सकते हैं इसको. तो उसने मैंने आपको बताया कि उसने बनाना शुरू किया, तो आज उसका 90% बिजनेस जो है वो होंडा, टोयोटा, सुजुकी, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, 2.5-3 लाख तो गाड़ियाँ बनती हैं साल के अंदर. तो वो सब के सब की मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर दे रहा है. वो कहता है भाई मेरा तो यही बिजनेस काफ़ी है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो घरों में से कारपेट रिमूव होते जा, ठीक है, घरों में से कारपेट इस्तेमाल नहीं हो रहे, लोग अपने टायर्स और
बहुत ही फैंसी किस्म के फ्लोरिंग के ऊपर जा रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कारपेट्स वहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं। तो वो जो बिजनेस उसने अडॉप्ट किया उस टाइम पे, वो आज उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिटी, एक बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से सप्लायर डेवलप भी किए जाते हैं, कुछ सप्लायर्स जो हैं वो हम एग्जिट भी करते हैं, कुछ सप्लायर हम कंसोलिडेट भी करते हैं। कंसोलिडेशन ये होती है, चलिए मैं आपको एक आखिरी पॉइंट बताते चलूँ, सप्लायर कंसोलिडेशन ये होती है कि एक सप्लायर आपको दो प्रोडक्ट दिया है इस वक्त ना, तो अब आपके लिए उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसको बताना, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करना काफ़ी हैसल हो रहा है। आपने क्या किया कि उस सप्लायर को, किसी बड़े सप्लायर को दे दिया कि भाई देखो ये तुम जो है ना हमें नहीं दोगे, तुम ये हमारा बड़ा सप्लायर है, तुम इसको दे दिया करो, ये सारी चीज़ें मैनेज करके ना हमें पहुंचा देगा, तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लायर कंसोलिडेशन। तो ऐसे आपके अगर नंबर ऑफ सप्लायर आपके 100 थे तो हमने उसको 70 कर दिया, तो पार्क सुजुकी को 100 को मैनेज नहीं करना, 70 को मैनेज करना, बाकी को आपने एक दूसरे के साथ लिंकअप करके कंसोलिडेट कर दिया, उसको इंश्योर कर दिया कि भाई आपका बिजनेस रिटेन है, उसी प्राइस पे उसी चीज़ पे हम आपसे माल लेंगे, मगर आप हमें नहीं देंगे, आप फला सप्लायर को दें वो हमें देगा। तो इस तरह से चीज़ें अरेंजमेंट चलती रहती हैं, इसको हम कहते हैं सप्लायर कंसोलिडेशन। जी जी सर, सर आपने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर तक अभी तक हाइब्रिड की मैन्युफैक्चरिंग मतलब शुरू तो नहीं हुई है, टोयोटा की जो सीकेडी होती है मेरे ख्याल से, तो प्रियस वगैरह की, तो ऐसे अगर सुजुकी का फ्यूचर में अगर हाइब्रिड का प्लान होगा, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं मैन्युफैक्चर करता कोई पाकिस्तान में सुजुकी हाइब्रिड, तो उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में असेंबली लाइन में आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, या फिर उसके लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइन डिजाइन होगी, या उसका क्या तरीका होगा एक हाइब्रिड इंजन का, एक हाइब्रिड गाड़ी का? ऑफ कोर्स उसके लिए तमाम फैसिलिटी डिफरेंट होगी, लेकिन आपकी बॉडी डिजाइनिंग, बॉडी स्ट्राइविंग, बॉडी पेंटिंग, वो सब के सब एक जैसी होगी। आप बेसिकली है क्या, इंजन की जगह वो मोटर्स और वो डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल होंगी, तो आप सेम लाइन आपकी कन्वर्ट हो सकती है उस प्रोसेस के लिए भी। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स की जो मैंने बात की थी ना, मैंने कहा था पॉलिसी बन गई है इसकी, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये स्टार्ट हो जाएंगी, और एक दो चाइनीज सप्लायर ने लाहौर में, इस्लामाबाद में कुछ काम शुरू भी कर दिया इसके ऊपर, हमारा कोई प्लान नहीं है अभी फिलहाल ऐसा कुछ करने का। तो वो उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनको जो इंसेंटिव दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसकी बेसिस पे वो लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा एक कंपनी, एक दो कंपनी और हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ मॉल्स, मुख्तलिफ शॉपिंग एरियाज, मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज में जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, क्योंकि जब तक चार्जिंग स्टेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपकी ये प्रोडक्ट वो नहीं हो सकती, फ्लॉरिश नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी तो फिर लोग जो हैं इसकी तरफ जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। इंडिया ने 2025 का टारगेट रखा है कि तमाम व्हीकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर देगा, इंजन बेस्ड व्हीकल 2025 या आई थिंक 2027 के बाद बनना बंद हो जाएगी इंडिया के अंदर। तो ये तो हमारा नेबर कंट्री है, तो देखें फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट हर जगह ही आएगा। जी वन लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, मुबीन पहले आप पूछने, उसके बाद अगर अब्दुल्ला आपका जवाब नहीं मिल जाता उसी क्वेश्चन में तो फिर आपको एक मिनट मिल जाएगा। जी मुबीन। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक बात मेरे जहन में आ रही थी, जो अभी ऑडी ने अपनी एक निकाली थी कोई सी फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाली थी कोई सी कराची पाकिस्तान के अंदर, मैंने कराची में भी रिसेंटली देखी थी, तो उसका भी यही मसला था कि चार्जिंग स्टेशन वगैरह तो है नहीं, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप उस गाड़ी को हैदराबाद लेके जाएंगे तो मैक्सिमम आप हैदराबाद जा सकते हो, फिर वो गाड़ी वापस नहीं आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसको अगर सुजुकी लेकर आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या आप लोग स्टेशंस भी प्रोवाइड करने का उसको प्लान में रखेंगे, या क्या कैसे लेके जाएंगे उसे? जैसा मैंने आपको बताया कि चार्जिंग स्टेशन की अलग कंपनीज हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, उनको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो मीनवाइल साथ में ये पॉलिसी भी आ गई है, तो इट विल टेक टाइम, मतलब एक दो गाड़ियों के लिए कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होता,
इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है मासेस के लिए, तो जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता जाएगा। किसी को याद हो अगर सीएनजी जब आई थी पाकिस्तान के अंदर तो यूनिवर्सिटी रोड पे हमें याद है एक सीएनजी स्टेशन होता था एनडी से थोड़ा पहले लेफ्ट साइड पे, तो वो एक वाहिद स्टेशन था सीएनजी का जब सीएनजी गाड़ियाँ आई थी। तो फ्यूचर में जैसे जैसे सीएनजी की बेनिफिट्स और उसकी जो कॉस्ट सेविंग है वो आपको नज़र आना शुरू हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्लैक्सीबल हुई और फिर सीएनजी की जो किट्स बनाने वाली कंपनीज थी इटालियन दो तीन कंपनीज वो यहाँ पाकिस्तान में आ गई, कराची में उन्होंने यूनिट लगा दी है, तो फिर उसी हिसाब से सीएनजी स्टेशन भी बढ़ गए और पूरे पाकिस्तान में फैल गए। तो टाइम नहीं लगता किसी चीज़ को फैलने के लिए, पॉलिसीज जब बन जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद उसके साथ शेप होती रहती हैं। जी नजम साहब जी, अच्छा अब्दुल्ला आपका कोई क्वेश्चन है तो बहुत क्विकली पूछ लीजिए और याहिर साहब बहुत ही मुख्तसरन जवाब दे दीजिए ताकि फिर हम आपका जो है वो पीछा छोड़े। जी अब्दुल्ला, यू हैव द क्वेश्चन? ओके, तो अब्दुल्ला रेज्ड हिज हैंड, आई थिंक नाउ देयर इज नो क्वेश्चन। तो लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, आई थिंक इट वाज अ प्लेजर एंड मोर देन अ प्लेजर, इट वाज अ वेरी इनसाइटफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। हमारी जो है ख्वाहिश होगी कि अगर हम कभी आपका प्लांट विजिट कर सकें, आई डोंट नो हाउ इजी इट इज़ टू गेट द अप्रूवल खासतौर से आजकल पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, लेकिन ये कि जो प्रैक्टिकली अगर जब आप फिजिकली देखते हैं चीज़ों को तो फिर ये बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी समझ आ जाती है। तो एनी वेज उसको फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन इस वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अगर तो आप फिजिकली हमारे कैंपस में होते तो नॉर्मली हम एक मोमेंटो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इस वक्त वर्चुअली हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं फिलहाल, तो बाद में इंशाल्लाह जब बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम वो काम भी करेंगे। So thank you very much. Inshallah. Thank you very much. And inshallah we'll see you again sometime. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.